स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है ना, एटम के बारे में आप सभी जानते हैं कि मैटर के अंदर क्या होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं। जो भी चीज हमारे एटमॉस्फेयर में है, मैटर है, उसमें क्या है, एटम्स हैं। और एटम की बात सबसे पहले किसने कही थी, वो थी कही थी डेल्टन ने, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन ने कहा था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हाँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन उसने बोला था इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उसके अंदर कुछ भी और नहीं हो सकता। लेकिन आज हम जानते हैं कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। सेकंड थिंग उसने बोली थी कि जो एलिमेंट्स हैं, जैसे सिमिलर एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये बात तब तक सही थी जब तक आइसोटोप नहीं थे, क्योंकि आइसोटोप जो है, एलिमेंट्स तो सिमिलर हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है ना, तीनों अलग अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। थर्ड थिंग उसने बोली थी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बेटा, उनके जो एटम्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन आइसोबार एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी क्या है बच्चे, सेम है। मास उनका क्या है, एटॉमिक मास उनका क्या आता है, सिमिलर आता है। तो डेल्टन ने एक नॉर्मल सी थ्योरी दी थी, ठीक है, उससे एक बेस बना था एटम के बारे में, हमें पता लगा था। बाद में ये सब चीजें, डेल्टन के जो फर्स्ट था कि इंडिविजिबल पार्टिकल है, वो फेल हो गया था जब हमारे पास किसकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है बेटा जे.जे. थॉमसन को। वैसे तो और बहुत से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जूलियस प्लकर वगैरह, और ये कंबाइंड वर्क था, लेकिन जो ज्यादा क्रेडिट जाता है वो जे.जे. थॉमसन को जाता है, ठीक है। थॉमसन ने क्या था, इस तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब एक शीशे की ट्यूब थी, उसमें एक साइड आपने इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड लगाई, एक साइड एनोड इलेक्ट्रोड लगाई, और साथ में एक वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप में जो उन्होंने प्रेशर मेंटेन किया वो था 10^-3 mm ऑफ Hg, और 10,000 वोल्ट के अराउंड करंट की जो थी वो बैटरी लगाई थी, ठीक है। जब 10,000 वोल्ट का करंट इसमें से पास कराया और इतना प्रेशर बेटा इसमें से अप्लाई, इसमें इतना प्रेशर इसमें अरेंज किया, और यहाँ पे एक और चीज करी थी उन्होंने, यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी। जिंक सल्फाइड एक तरह का फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, जिसपे अगर कोई रेस पड़ती है तो वो क्या आती चमकता है, तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई थी। अच्छा, तो जब इतना प्रेशर लगाया, इतना करंट पास किया, तो अचानक से उसने देखा कि यहाँ पे कुछ चमक रहा है, इनविजिबल सी रेस जा रही है, कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि चमक यहाँ पे थी, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ चमक रहा था। तो इसने बोला कि कुछ तो रेज हैं जो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को जा रही हैं, और उन रेज को उन्होंने बोला कैथोड रेज, क्योंकि वो कैथोड से जा रही थी एनोड की तरफ को, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस करे इसकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो वहां पे उन्होंने बोला कि जो आपकी कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, वो तो ऑब्वियस है, वैसे ही पता लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव की तरफ को जा रही है, तो ऑब्वियस है कोई नेगेटिव पार्टिकल्स ही होंगे, तो दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कैसे पता लगा, यहाँ पे उन्होंने एक व्हील जैसा रखा तो उसकी शेडो यहाँ पे पड़ी, तो शेडो जब भी किस चीज की पड़ती है तो लाइट इट मींस ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से एक बात क्लियर हो गई। उन्होंने बोला कि इनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर दें तो ये रेस क्या हो जाएंगी, अपने आप को डिफ्लेक्ट कर देंगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक है, तो भी ये डिफ्लेक्ट हो गई, और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो भी ये क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। फोर्थ थिंग उसने बोली, ये थोड़ी डिफरेंट है, कि एक्स रेस प्रोड्यूस करती हैं, अगर हमने इन रेस को किसी हैवी मेटल में से पास किया तो कौन सी रेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, एक्स रेस प्रोड्यूस हो जाएंगी। और लास्ट जो प्रॉपर्टी थी कि ये जो गैसेज हैं इनका जो है नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, सॉरी, ये जो रेस हैं ये किसके ऊपर, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। वो क्यों, अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही रखी है बेटा, अब हाइड्रोजन क्या हुआ, जब इतनी वोल्टेज का करंट डला तो हाइड्रोजन आयंस में टूटा और क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स की। अब भाई जो यहाँ से यहाँ को ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन ही तो जाएंगे यहाँ पे नेगेटिव कैथोड टर्मिनल से पॉजिटिव एनोड की तरफ को, तो इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन के हो, इलेक्ट्रॉन चाहे हीलियम के हो, चाहे किसी और गैस के हो, तो सिमिलर ही होंगे,
तो हम चाहे जो मर्जी गैस डाल दें, ये प्रॉपर्टीज थोड़ी नहीं बदलने वाली हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैथोड रेज हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ई बाई एम रेशियो निकाली बेटा, दैट इज चार्ज बाई मास रेशियो, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो वैल्यू आई 1.75 × 10^11 कूलम्स पर केजी। और बाद में चार्ज निकाला गया इलेक्ट्रॉन का, और वो चार्ज कैसे निकला, वो था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो भी आपके फिजिक्स में है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वहां से इन्होंने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगाया, जो कितना था 1.602 × 10^-19 कूलम्स। और जब हमने ई बाई एम, तो हमें ऑलरेडी पता है चार्ज, हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया, फिर हमने ये वैल्यूज यहाँ रख के यहाँ पे मास पता करवा दिया इलेक्ट्रॉन का, वो कितना है 9.1 × 10^-31 केजी। ये तो थी बेटा इलेक्ट्रॉन्स की बात। अब बात करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन आप सभी जानते हैं, पता है ना, किसने डिस्कवर किया है प्रोटॉन? प्रोटॉन डिस्कवर किया है ई गोल्डस्टीन ने। अब उसने भी ज्यादा कुछ नहीं करा था, उसने भी वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, बस किया उसने सिर्फ इतना सा था कि ये जो कैथोड थी, इस ये जो कैथोड थी ये कैसी थी, परफोरेटेड थी, मतलब छेदों वाली कैथोड थी, और इस साइड भी क्या लगाई थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी। तो जब दोबारा, और हाँ एक यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया था, 10^-1 mmHg करा था, तो इट मीन गैस के पार्टिकल्स थोड़े से बढ़ गए थे अंदर। तो जब इन्होंने 10,000 वोल्ट का करंट दोबारा से पास करवाया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे भी कुछ कलर्ड लाइट जो थी वो कहाँ चमक रही थी, कैथोड के ऊपर लाइट चमक रही, इट मीन्स कुछ रेज अब यहाँ से इस साइड को आ रही है, है ना, एनोड से कैथोड की तरफ को रेज आएंगे, क्योंकि तभी तो यहाँ पे लाइट चमकी, ठीक है ना। तो कोई पार्टिकल्स है वो कैसे है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जो कहां से ट्रेवल कर रहे हैं, एनोड से कहां की तरफ को आ रहे हैं, वो कैथोड की तरफ को आ रहे हैं। और इन रेस को क्या बोला बेटा, जैसे वो पीछे कैथोड रेस थी, इनको बोला कैनाल रेस, ठीक है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स नहीं बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। क्यों, देखो मैंने दोबारा तुम्हें हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया कि अगर हाइड्रोजन हमने यहाँ पे डाली है, हाइड्रोजन टूटा इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड की तरफ, हाँ ऑब्वियसली जाएंगे कैथोड की तरफ, लेकिन ये आयंस कहाँ जाएंगे, ये एनायन जाएंगे, सॉरी वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे एनोड की तरफ, और जो एच पॉजिटिव आयंस हैं वो कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो ये जो लाइट थी वो किसकी वजह से थी, आयंस की वजह से। हाँ हाइड्रोजन के केस में हम उनको क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। क्यों बोल सकते हैं, ध्यान देना, क्योंकि हाइड्रोजन में बेटा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ एनोड की तरफ को गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन बोलो या तो प्रोटॉन बोलो, एक ही बात है। तो हाइड्रोजन के केस में हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स कैथोड फ्रॉम द एनोड साइड, ओके। लेकिन बाकी गैसेस के केसेस में हम आयंस बोलेंगे कि आयंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। कैनाल रेज जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इसकी भी प्रॉपर्टीज वैसे ही फाइंड आउट करी, ठीक, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और एक और चीज डिफरेंट क्या थी कैथोड से, कि दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। क्यों, क्योंकि देखो बच्चे, अब मैंने क्या बोला, आयंस टूट रहे हैं, तो अलग अलग गैसेस डालेंगे तो अलग अलग आयंस हो जाएंगे, तो हर बार एनोड की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, सॉरी एनोड की नहीं, इसकी एनोड कैनाल रेस की प्रॉपर्टीज जो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे गैसेस डिफर करेंगे तो आयंस डिफर करेंगे, तो आयंस यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेंगे तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो अब मास की बात करें एनोड की, तो एनोड सॉरी प्रोटॉन के मास की बात करें, तो प्रोटॉन का मास आया 1.67 × 10^-27 केजी, और जो चार्ज है प्रोटॉन का वो है 1.6 × 10^-19 कूलम। हाइड्रोजन के केस में ई बाई एम रेशियो उसकी बहुत ज्यादा
हाई थी। ठीक है, ये तो हो गई प्रोटॉन की बात। न्यूट्रॉन की बात हम नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि ये 80s में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो 18th सेंचुरी में हो गई थी, और न्यूट्रॉन बहुत लेट जो था वो डिस्कवर हुआ था, बाद में चैडविक ने बड़े बाद में एक्सपेरिमेंट किया था, जब रेडियो एक्टिविटी वगैरह सब हो गई थी डिस्कवर, उसके बाद जो था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पहले कुछ और चीजें हुई, जैसे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई, और रेडियो एक्टिविटी जो थी वो हेनरी बेक्वेल ने डिस्कवर करी। ठीक है ना, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है ये चीजें। रेडियो एक्टिविटी क्या है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनसे कंटिन्यूसली रेज निकलती रहती हैं। किस टाइप की रेज, अल्फा बीटा एंड गामा। जो अल्फा रेज होती हैं एक्चुअली में वो क्या होते हैं, हीलियम आयंस होते हैं, ठीक है ना, जिनका मास 4 AMU के बराबर होता है। बीटा जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, बीटा रेज जो होती है वो क्या कैरी करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स करती है, और गामा जो है वो न्यूट्रल रेज होती है आपकी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे हमारे आएंगे मॉडल्स एटम के, एटम के मॉडल्स आएंगे, जिसमें सबसे पहला मॉडल है आपका थॉमसन, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दोबारा मैं बोल रही हूँ, 9th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। थॉमसन ने क्या बोला था जब, अच्छा अब इसकी बात चल पड़ी, अब हमें ये पता लग गया कि एटम के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन है, ये पता लग गया। अब बात आती है कि वो अरेंज कैसे हैं, कैसे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कैसे हैं साथ में हैं कि अलग अलग हैं, या कैसे वो अरेंज्ड हैं एटम के अंदर, वो कैसे पड़े हुए हैं, ये सबसे पहला सवाल हमारे मन में आया जब हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पता लगा। ठीक है, तो सब अपने अपने मॉडल्स भी के बारे में, सबने अपना अपना मॉडल दिया एटम का, कि एटम को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वैसे ही थॉमसन ने भी दिया, थॉमसन ने दिया प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको। उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि जैसे खीर है हमारी, ठीक है, तो जो या आप जैसे बोल दो हाँ खीर ही ले लो, जैसे पुडिंग होती है, पुडिंग में जैसे रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं, किशमिश है ना, तो पुडिंग में जैसे किशमिश अरेंज होते हैं, वैसे ही हमारा एटम है, एटम का जो है वो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बीच में ये क्या है आपका, ये सारा स्फेयर जो है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, जिसमें क्या मतलब एक तरह से तैर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तैर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तैर रहे हैं किसमें, पॉजिटिव स्फेयर में। जैसे उसमें वाटरमेलन का ले लिया कि जो रेड वाला हिस्सा है वो सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में जो काले काले बीज है वाटरमेलन के वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ये बहुत ही जो था कुछ ऐसा, इस चीज को हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कभी साथ साथ हो सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एटम क्या क्या कैसे हो सकता है, साथ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ तो रह ही नहीं सकते, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे पड़े हैं तो उनमें आपस में रिपल्शन कितनी सारी होगी। तो ये तो बिल्कुल पास मॉडल था जो थॉमसन ने दिया था। लेकिन उसके बाद जो मॉडल आया वो किसने दिया था बेटा, दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसको अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि उसने क्या इस्तेमाल करी थी, उसने अल्फा रेज इस्तेमाल करी थी, उसने यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया था, ठीक है, उसको एक हल्की सी स्लिट में से पास किया, ठीक है ना, ऑब्वियस रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यहाँ पे लेड बॉक्स लिया था, लेड बॉक्स इसलिए लिया था ताकि रेज जो होती है वो सिर्फ इस यहाँ से सीधी जाए, इधर उधर ना जाए, तो रेज जो थी फिर यहाँ से छोटी सी स्लिट में से पास करी, ठीक है, ठीक। और उसके बाद जब उसने देखा कि ये जो रेज हैं इनको फिर उसने किसमें से पास करवाया, किसमें से पास, गोल्ड फॉइल से, गोल्ड फॉइल में से जब उसने पास कराया तो, और यहां पे लगा दी उसने फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, ठीक है, मान लो यहाँ पे इस तरह से पार्टिकल बना देती हूँ मैं गोल्ड फॉइल के, पतली सी। अच्छा गोल्ड को क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि तुम जानते हो कि गोल्ड जो है सबसे मेलिएबल और डक्टाइल मटेरियल है, पतली से पतली शीट बन सकती है, तो जितने कम एटम्स होंगे बेटा उतना ही रिजल्ट बेटर आएगा,
और सबसे पतली शीट हम किसके इस्तेमाल कर सकते थे, सबसे पतली गोल्ड की बन सकती थी, इसलिए उसने गोल्ड फॉइल को इस्तेमाल किया। जब ये रेज बेटा यहां से पास हुई, गोल्ड फॉइल में से पास हुई बच्चे, तो जो रिजल्ट देखने को मिले वो क्या थे, वो रिजल्ट ऐसे थे कि मैक्सिमम जो रेज थी वो क्या हो गई थी, अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई थी। मैक्सिमम रेज तो थी वो क्या हो गई थी, पास हो गई थी, ठीक है। बहुत कम रेज जो थी वो छोटे छोटे एंगल से क्या हुई थी, डिफ्लेक्ट हो गई थी, और कोई बहुत 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 ज्यादा कम रेज जो थी वो क्या थी, क्या 20,000 में से कोई एक रे थी जो क्या थी, बाउंस बैक हो गई थी। बाउंस हो गई थी तो इसका मतलब कि कोई बीच में सॉलिड चीज पड़ी हुई है, सॉलिड चीज भी कैसी पड़ी हुई थी, पॉजिटिवली चार्ज पड़ी हुई होगी जिसके जिसके साथ टकरा के, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि अल्फा रेज कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो उनको बाउंस करने के लिए कोई पॉजिटिव मटेरियल ही चाहिए, तो कोई पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे चीज थी उसके साथ टकरा के वो क्या हो गई, बाउंस हो गई, लेकिन मैक्सिमम स्पेस खाली ही था। तो इससे जो रिजल्ट निकला वो रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने इससे बोला कि जो जो इसकी लास्ट में कंक्लूजन निकला कि एटम के बीच में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मास है, जिसको उसने क्या बोला, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नाम लिया, जिसमें जिसमें क्या पड़े हुए हैं, हमारे प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे वो न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे हैं बच्चे, रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो किसके अंदर पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। बाद में ये मॉडल भी क्या हो गया था, फेल हो गया था, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके बता सकते हैं। थैंक यू।